वेलकम बैक टू लाइफ इज अमेजिंग फिल्म। सॉरी फॉर द डिले, मैं एक बार फिर वापस आ गया हूँ एक नए ट्रेलर रिएक्शन के साथ। और आज मैं जिस ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें कोई और नहीं, बॉलीवुड की क्वीन जैसी अमेजिंग मूवी में काम करने वाली कंगना रनावत, जो हमेशा अलग अलग कंसेप्ट की मूवी में काम करती है और उनकी एक्टिंग तो अच्छी है ही। जो और कंगना रनावत की डायलॉग डिलीवरी हमेशा से अप्रिशिएबल रही है, नो मैटर कौन सी भी उनकी मूवी हो, वो कैरेक्टर इस तरह से ढल जाती है कि हम पता नहीं चलता कि वो एक्टिंग कर रही है। बिल्कुल सच में वो बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। और कंगना रनौत एक बार फिर अपने एक नई मूवी के साथ आ रही है जिसका नाम है पंगा। उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और जैसे हम जानते हैं कि कंगना रनौत को अगर कोई भी चीज़ गलत लगती हो तो उसमें तो वो पंगा लेती है, लेकिन इस बार उनकी मूवी का नाम भी पंगा है। सबसे पहले इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं और फिर बात करेंगे इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में, कहानी के बारे में। चलिए देखते ट्रेलर सबसे पहले। जया निगम, इंडिया कैप्टन 2010 और एक वक्त की सबसे बेहतरीन लीडर। कबड्डी हम तो एक ही टीम में ना यार। दो रंगों में रंगी है, दो रूप में। क्या पापा रात को फिर से पड़ी? तू चुपचाप अपना नाश्ता पूरा करो। गुड मॉर्निंग मैम। भैया गाड़ी धीरे चलाना। दीदी धीरे ही चलती है। आपको कुछ चाहिए? तो क्या हुआ, नहीं पहचाना? कबड्डी वालों को कौन पहचानता है? जया जी वो दिन हवा हुए जब आप रेलवे के लिए कबड्डी खेलती थी। सारी बड़ी बड़ी बातें वुमन एम्पावरमेंट की। मैं एक माँ हूँ और माँ के कोई सपने नहीं होते हैं। जब इंसान का वक्त बदलता है ना तो आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है। मम्मी की एज क्या है? 32। तो क्या 32 में कमबैक नहीं होता? किस्मत वाली है जो तुझे एक और मौका मिल रहा है। पर ऐसी बहुत सारी परेशानियां होंगी जो एक साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे। पर याद रहेगा तो सिर्फ ये कि तुम्हारे पास एक मौका आया था और तुमने वो जाने दिया। जया तुम्हें लग रहा है कि तुमने भोपाल की लड़कियों को रगड़ दिया तो तुम इंडियन टीम में कमबैक कर सकती हो? कोशिश तो करने दे यार, फिर से पंगा लेना है। पंगा लेना है लड़की को? जब तेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा ना और फिर जब तू इंटरव्यू देगी ना तो सिर्फ प्रशांत का नाम मत लेना, अपनी मम्मी का भी नाम लेना। खिलाड़ी अपने लिए या अपनी टीम के लिए खेलता है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। जिस उम्र में प्लेयर रिटायर होने की सोचते हैं ये कमबैक करना चाहती है। मम्मी पता नहीं क्यों बड़बड़ा रही हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट मांग ही नहीं रही। अरे मैं तुझे सपोर्ट कर भी नहीं रही हूँ। अरे नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। नहीं मिलेगा तुझे मेरा सपोर्ट। अरे आगे बढ़ो ना भाई। गोंद के लड्डू तो लाई नहीं। कबड्डी खेलनी थी, कबड्डी खेल। और ये भी चीनी में बनाए। खीर के साथ चाय कौन पीता है यार? गोंद के लड्डू नहीं लाई ना मम्मी। सच में दिल छू लेने वाला ट्रेलर था। और क्यों होगा क्यों नहीं, क्योंकि इस ट्रेलर में जो डायरेक्टर है वो और कोई नहीं, अश्विनी अय्यर तिवारी जी हैं, जिन्होंने बरेली की बर्फी जैसी मूवी दी है, तो दूसरी वो नील बत्ते सन्नाटा जैसी मूवी दी। नील बत्ते सन्नाटा भी एक बहुत ही अच्छी मूवी है और जिन्होंने भी वो मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी ज़रूर जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा अश्विनी अय्यर तिवारी की मूवीज़ में कहानी USP होती है। और उसके साथ ही
कंगना रनौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें एक बेहतरीन एक्ट्रेस माना जाता है। सच में ये ट्रेलर का हर एक सीन आपका दिल छू लेता है। और सबसे मेन बात है इस ट्रेलर की कि ये ट्रेलर है जो एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। ये हाईलाइट कर रहा है भारतीय महिलाओं को शादी के बाद किस तरह से अपने करियर के लिए या करियर छोड़ या गिव अप करना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, ये उस दर्द को बयां कर रहा है। तो कंगना रनौत एक कबड्डी प्लेयर होती है जो शादी के बाद शायद ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने करियर को गिव अप करना पड़ता है और कुछ सालों बाद वो अपने मीन्स वो जो ड्रीम है उस वो सेटिस्फाई नहीं रहती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है। फिर एक दिन उनका बेटा कहता है क्या 32 की उम्र में कमबैक नहीं होता। एग्जैक्टली तो ये जर्नी कंगना रनौत की अपने ड्रीम्स को परस्यू करने की, एक बार वो वापस वो ड्रीम जीना चाहती है, वो अपने करियर को जो एक कुछ अधूरा रह गया था उसे पूरा करना चाहती हैं। तो वो एक जज्बे की कहानी है। ये एक ट्रेलर एक माँ के जज्बे को मीन्स सलाम करता है कि जाइए अपना ड्रीम परस्यू कीजिए, प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो किस तरह उस प्रॉब्लम को जूझती है और उसे अचीव करती है, लगता है ये कहानी उसकी है। और सच में इस मूवी का जो राइटर है आप उनकी हर एक मूवी से हर बार इम्प्रेस हुए हैं। जी हाँ, इस मूवी को लिखा है नितेश तिवारी ने, जिनकी लास्ट मूवी एज अ डायरेक्टर आपने देखी होगी छिछोरे, और उन्होंने अपना डायरेक्टोरल डेब्यू भी किया था चिल्लर पार्टी के साथ जो बहुत ही अच्छी मूवी थी। भले ही वो बच्चों की मूवी थी लेकिन जो उसमें स्टोरी थी या जो सटायर था सिस्टम पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था और डायलॉग्स कमाल के थे और बहुत ही फनी मोमेंट्स थे। उसके बाद आपने दंगल तो देखी ही होगी। जी हाँ, उसे भी नितेश तिवारी जी ने ना सिर्फ लिखा था, उसका डायरेक्शन भी उन्होंने ही किया था। और जो नितेश तिवारी और जो श्वेता अय्यर तिवारी जो उनकी पत्नी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक है। और उसमें नीना गुप्ता जैसी एक बेहतरीन एक्ट्रेस हो या कंगना रनौत जैसी एक शानदार अदाकारा, सच में ये सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। इस ट्रेलर के हर एक फ्रेम आपको बांधे रखता है एंड तक। सच में एक कमाल की कहानी है। इस ट्रेलर ने सच में मुझे मीन्स ना सिर्फ बांधे रखा, एक बहुत ही अच्छे मुद्दे को एक बहुत ही अच्छी कहानी से हाईलाइट किया गया है। और सभी को ये ट्रेलर पसंद आएगा और ऑलरेडी ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। सो सच में इस मैं वेट कर रहा हूँ इस मूवी का क्योंकि ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक।